नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सुन रहे हैं कॉर्टेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान। दोस्तों, कॉर्टेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इसमें उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। आइए सुनते आज की कहानी। देश और दुनिया में पितृसत्ता है और इस पितृसत्ता की वजह से महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिलता। ये कहना कोई नई बात नहीं होगी। हाँ, लेकिन ये बात नहीं हो सकती है कि महिलाएं यदि अपनी परिस्थितियों से लड़ें और कुछ कर गुजरने की इच्छा रखें तो फिर असंभव कुछ भी नहीं। इतिहास और वर्तमान की कई घटनाएं इस बात की गवाह रही हैं कि महिलाओं का हौसला और उनकी इच्छा शक्ति हमेशा उनकी बंदिशों से बड़ी होती है। बिहार के नवादा जिले में पंडवा गांव की रहने वाली रानी देवी भी कुछ ऐसी महिलाओं में से एक है जिन्होंने समाज और पितृसत्ता से एक लड़ाई लड़कर ना सिर्फ खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं, बल्कि अपने परिवार का नाम भी रोशन किया है। प्रणाम, मेरा नाम रानी देवी है, घर पंडवा हुआ, जिला नवादा। रानी देवी को आज उसके गांव के लोग एक आदर्श महिला के रूप में देखते हैं। ना सिर्फ उसके अपने घर के लोग उसे इज्जत और सम्मान देते हैं, बल्कि अब तो उसके ससुराल के लोग भी रानी को एक आदर्श महिला के रूप में देखते हैं और ये मानते हैं कि उस महिला में भी नेतृत्व करने की क्षमता है। लेकिन खुद की इस क्षमता को साबित करने के लिए रानी को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है और इस लड़ाई की शुरुआत उसके अपने घर में हुई थी। रानी के पिता के घर में उसकी मां की मौत के बाद पिता ने रानी को बोझ समझकर उसकी शादी करा दी। मात्र 10वीं कक्षा तक पढ़ी हुई रानी के हाथ पीले कर दिए गए और नतीजन उसे बेहद छोटी उम्र में पिता का घर छोड़ना पड़ा। अपने पिता के घर के साथ साथ वो अपने सपने, अपनी उम्मीदें और जिंदगी की कई इच्छाएं भी छोड़कर जा रही थी। रानी अपने ससुराल जा रही थी और ससुराल जाकर पहली बार उसका सामना उसकी बंदिशों से होता है। उसे एहसास होता है कि किसी महिला के लिए शादी करना और ससुराल जाना बंधन क्यों है। घर से भी नहीं निकलती थी, मेरे यहाँ बाहर जाने का काम करने का आदेश नहीं था और मैं यही सोचती थी कि मेरा समय कैसे बदले। रानी को बार बार समझाया जाता कि अच्छे घर की महिलाएं घर से बाहर काम के लिए नहीं जाती। अच्छे घर की महिलाएं बाहर काम नहीं करती, अच्छे घर की महिलाएं ये नहीं करती, अच्छे घर की महिलाएं वो नहीं करती, लेकिन रानी ऐसा नहीं सोचती थी और उसके पास इसकी एक जायज वजह भी थी और इस वजह को आप मजबूरी भी कह सकते हैं। मेरे पति ज्यादातर घर पे ही रहते थे और यही बाहर जाते थे, सिर्फ अपने ही घर में सोचते कि मेरा 3 बेटा है तो मुझे पैसे रखने का क्या मतलब है, मैं पैसा किस लिए रखूं? ऐसा मौज मस्ती करते रहते थे, जो भी कमाते थे वो ऐस मौज में उड़ा देते थे। फिर परिवार भी बहुत ऐसा कुछ कहता था कि जो मुझे बहुत दुख लगता था कि मेरा परिवार ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। यदि मेरा पति पैसा कुछ रखता, कुछ परिवार को देता तो मेरे परिवार भी कुछ ना बोलते और मुझसे भी प्यार करते। और मेरी सास भी कहती थी कि बाप का तो होटल है, जितना मस्ती करना है कर लो। रानी के घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और इस बात को वो बखूबी जानती थी। इन सब हालातों को रानी देख तो रही थी, लेकिन वो इन हालातों को देखकर रुकी नहीं। उसने अब मन बना लिया था कि बाहर काम को जाएगी और अपने बच्चों की खातिर, अपने परिवार की खातिर और खुद की खातिर कुछ कर दिखाएगी। यूं ही घर में बैठकर केवल घर का काम तो वो नहीं करना चाहती थी और रानी को खुशकिस्मती से एक मौका भी मिला। कुछ समय बीत गया, उसके बाद एक ऐसा संस्था आया जो मेरे बदलाव का कारण बना। उसमें मैंने पहले महिला किसान जोड़ के एक समूह बनाया, फिर समूह व्यू में परिवर्तन आया। इस उम्मीद के साथ कि रानी काम करेगी और अपनी और कई लोगों की जिंदगी बदल देगी, वो काम पर जाने लगी। लेकिन शुरुआत में उसे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ उसके घर वालों के ताने भी रुकने को नहीं आ रहे थे।
मेरी सास गोतनी अभी तक खेत में निकलती नहीं थी, लेकिन मैं जाती थी। लोग भी मेरे पति को देखते हुए हंसते थे कि तुम्हारी पत्नी तो बाहर तो निकलती नहीं थी लेकिन खेत पे जाती है, और मेरे ससुर भी गुस्सा रहते थे। लेकिन घर के तानों को नजरअंदाज कर रानी अब अच्छा काम कर रही थी। वो प्रधान समूह से ट्रेनिंग ले रही थी और सीख रही थी, लोगों को डीएसआर विधि से खेती करने के लिए प्रेरित कर रही थी, और उसकी प्रेरणा से लोग प्रभावित भी हो रहे थे, और इसी वजह से उसकी चर्चा भी खूब हो रही थी। तब किसान लोग मेरे पर विश्वास करते हुए 20 किसान ने लगा लिया। फिर मेरा धान खेती आज भी लोगों में चर्चा होती है कि दीदी आई तो डीएसआर धान लगाई तो कम से कम इतना उन्नत हुआ, धान भी बहुत अच्छा हुआ, उसका दाना भी अच्छा आया। लेकिन बात केवल चर्चा की नहीं थी, रानी किसानों को ना केवल प्रेरित कर रही थी और डीएसआर विधि से धान लगाना सिखा रही थी, बल्कि साथ ही साथ डीएसआर विधि से खेती करके किसान लाभ भी कमा रहे थे, और जिससे उनके समय की और काफी चीजों की बचत हो रही थी। और किसानों को लाभ मिलने की वजह से कई अन्य किसान अब डीएसआर विधि से खेती करने के लिए तैयार हो रहे थे। इसका परिणाम में यह हुआ कि जैसे डीएसआर धान हम लोग लगाए तो उसमें बहुत सारा चीज का बचत हुआ, जैसे कि हुआ पानी का बचत, रोपनी का बचत, मुरकबड़ा का बचत, समय का बचत, और एक उसके साथ में दवा भी दिए थे, और धान इतना अच्छा हुआ कि किसान दीदी भैया खुश हो गए। और इसके बाद अगले साल 80 किसान लगाया उस धान को, डीएसआर से 80 किसान लगाया। रानी प्रधान समूह और कॉटेवा एग्रीसाइंस की तकनीक से लोगों की जिंदगी बदल रही थी और उनकी जिंदगी को बेहतर बना रही थी। और जब लोगों को, आम किसान को लाभ होने लगा तो लोग रानी के घर तक आने लगे और घर आकर वो उसकी प्रशंसा करने लगे। और जाहिर है अब लोगों का घर आकर रानी की प्रशंसा करना उसके ससुराल वालों के लिए बेहद गर्व की बात थी। फिर ढूंढते हुए भैया लोग और दीदी लोग आती थी, भैया लोग की बहू कहाँ है, तो कौन सा बहू है, किनको खोज रहे हो, तो जो प्रधान दीदी हैं, रानी जी हैं, उनको से थोड़ा सा बात करवाइए भाई, तो मेरे घर वाले भी खुश हो जाते थे कि लगता है मेरी बहू अच्छी काम कर रही है। रानी के ससुराल के लोग अब समझ